आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो किरचॉफ ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए नियम दिए थे। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो नियम दिए थे, KCL KVL, एक वोल्टता का नियम और दूसरा धारा का नियम। तो उसको पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है और लूप क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम इन्हें आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि कि किसी परिपथ में जिस पॉइंट पे दो या दो से अधिक शाखाएं मिलें उसे हम क्या कहते हैं, संधि। और बहुत सारी शाखाओं से मिलके जब एक बंद विद्युत परिपथ बने, बंद सर्किट बने, तो उसको हम कहते हैं लूप। तो ये हमने ये देखा कि संधि किसे कहते हैं और लूप किसे कहते हैं। अब हम आते हैं किरचॉफ ने जो पहला नियम दिया था, फर्स्ट लॉ। तो जो किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ दिया था उसके हिसाब से क्या है, उसके अनुसार क्या है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि किसी एक पॉइंट पे जितनी भी करेंट्स आ रही हैं या जा रही हैं उनका अगर हम सम करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। मतलब समीशन ओवर आई इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको ही हम क्या कहते हैं, KCL का नियम। और अगर ये बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा आवेश संरक्षण का नियम है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस नियम को आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें बेसिकली इसके जो साइंस कैसे यूज़ करने, चिन्ह कैसे यूज़ करने हैं वो देखने होंगे। तो इसके चिन्ह कैसे यूज़ करने हैं कि अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं उस पर बहुत सारी करेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, तो अगर पॉइंट की तरफ कोई करंट आ रही है, कोई धारा आ रही है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और पॉइंट से दूर जा रही है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो ये इसके साइंस का ध्यान हमें रखना है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक फिगर बनाया है जिसमें पॉइंट ओ बनाया है एक। इस पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी करेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, जैसे I1, I2, I3, I4 और I5। यहाँ पे हमने देखा कि जो करंट हमारी I1 है वो पॉइंट ओ से बाहर की तरफ जा रही है, मतलब पॉइंट ओ से दूर जा रही है। करंट I2 को हमने देखा तो उसका एरो पॉइंट ओ की तरफ है, मतलब पॉइंट ओ की तरफ जा रही है। करंट I3 को हम देखेंगे तो एरो बाहर की तरफ है, मीन्स पॉइंट ओ से दूर जा रही है। करंट I4 को देखेंगे तो वो भी ओ से दूर जा रही है, और I5 को देखेंगे तो वो ओ के पास आ रही है। तो जो अभी हमने इसके साइंस के लिए पढ़ा था, जो चिन्हों के लिए हमने पढ़ा था, तो हमने ये देखा था या ये पढ़ा था कि अगर पॉइंट से दूर जा रही है तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, अगर पॉइंट की तरफ आ रही है या संधि की तरफ आ रही है तो प्लस साइन के साथ आएंगी। तो यही हम यूज़ करके आगे लिखते हैं। जैसे हमने I1 को देखा कि पॉइंट से दूर जा रही है, ओ पॉइंट से, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। प्लस अगर हम I2 को देखें तो पास आ रही है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में आई। I3 को देखा ये दूर जा रही है तो नेगेटिव साइन के साथ। I4 को देखा ये भी पॉइंट से दूर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ। और I5 को देखा तो ये पॉइंट ओ की तरफ आ रही है, पास में आ रही है, तो ये प्लस साइन के साथ। और इन सब का सम कितना होना चाहिए, जीरो। तो हमने इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तीनों के साथ में, तो हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I2 प्लस I5। अगर इसको हम आगे और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I5। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे या किसी भी संधि पे आने वाली धारा, जैसे यहाँ पे आने वाली धारा कौन थी, कौन कौन सी थी, I2 और I5 का सम, और संधि से दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली करंट कौन कौन सी थी, I1 I3 और I4, दोनों का सम क्या होता है, बराबर होता है। मतलब किसी पॉइंट पे किसी संधि पे जितनी करंट आ रही होगी उतनी ही करंट जा रही होगी, और यही हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ का सेकंड नियम क्या था। तो हम यहाँ देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या बोला है
कि इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रयुक्त समस्त विद्युत स्रोतों के विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के सिरों से प्राप्त विभव का बीजगणितीय योग शून्य होगा। फर्स्ट लॉ में हमने करंट की बात की थी, सेकंड लॉ में हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। तो ये नियम क्या कहलाता है हमारा, वोल्टता का नियम या फिर केवीएल का नियम। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि सम ओवर ई प्लस सम ओवर आई आर शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये जो नियम है वो बेसिकली हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो इस नियम को भी समझने के लिए पहले हमें इसके कुछ साइंस के बारे में पढ़ना होगा। तो हमने क्या बोला था इसमें कि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ मतलब कि ये क्लोज लूप होगा, तो हमें कैसे चूज़ करना है कोई भी पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें वहाँ से या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, हमें इस तरीके से उस लूप को कवर करना है कि एट लास्ट हम वापस जिस पॉइंट से शुरू किया था हमने उसी पॉइंट पर आ जाए। सेकेंड, जैसे हम ये देखेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभव परिवर्तन होगा, वो कहीं पे प्लस आईआर ले रखा है, कहीं पे माइनस आईआर ले रखा है। तो कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है, जैसे हमने फर्स्ट वाला फिगर देखे हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है उस आर और उसमें आई करंट फ्लो कर रही है। अगर हम इस लूप में ऐसे चल रहे हैं कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हम लेंगे वो कितना लेंगे, प्लस आई आर। लेकिन सेकंड फिगर हम यहाँ पे देखें, इसमें क्या है कि करंट फ्लो कर रही है ए टू बी की तरफ, लेकिन हम यहाँ पे चल रहे हैं बी से ए की तरफ, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें वी की वैल्यू लेनी होगी वो कितनी आएगी, माइनस आई आर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई आर लेना है, और करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा है तो हमें माइनस आर आई आर लेना है। अब थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि किसी विद्युत वाहक बल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे पे जा रहे हैं, मतलब अगर हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पे जा रहे हैं तो हम जो उसकी वैल्यू होगी वो प्लस में लेंगे, और अगर हम नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे जा रहे हैं तो हम जो उसकी वैल्यू है वो माइनस एंड पे लेंगे। इसमें ये चीज़ डिपेंड नहीं करती, इस चीज़ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि करंट हमारी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ई है पॉइंट ए बी के बीच में। अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस ई। अब सेकेंड फिगर में देखें, है वही, अगर हम बस डायरेक्शन उल्टी हो गई, पहले हम ए टू बी जा रहे थे लेकिन अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए, सेकंड नियम को समझने के लिए, केवीएल को समझने के लिए हमें तीन चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो लूप में हमें किसी एक ही डायरेक्शन में चलना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से चलना है कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया है वापस हम उसी पॉइंट पर आके ख़त्म करें। सेकेंड, कि अगर हम करेंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो V आएगा हमारा IR, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं तो V आएगा हमारा माइनस IR। थर्ड, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, अगर उसमें हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ चल रहे हैं तो वो प्लस साइन के साथ में आएगा, और अगर नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ चल रहे हैं तो माइनस साइन के साथ में आएगा। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्किट ड्रॉ किया है। तो उसमें ए बी सी डी चार पॉइंट हैं। हमने बोला था कि ये क्लोज लूप के लिए, तो हम पहले ही चेक करते हैं क्या ये लूप क्लोज है। तो हमने पॉइंट ए से शुरू किया, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ओके क्लोज लूप है। अब इसमें हमने क्या कंसिडर किया है कि ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 है, उसमें I1 करंट फ्लो कर रही है और पोटेंशियल V1 है। B से C के बीच में रेजिस्टेंस I2 है, और सॉरी रेजिस्टेंस R2 है और करंट I2 है। C टू D के बीच में R3 रेजिस्टेंस है, I3 करंट है और V2 पोटेंशियल डिफरेंस, और D टू A के बीच में R4 रेजिस्टेंस, I4 करंट।
यहाँ पे ये है कि आई वन की जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है, आई टू की जो डायरेक्शन है वो सी टू बी है, या फिर हम कह सकते हैं माइनस आई टू अगर हम इसको बी टू सी लें तो। अब सी टू डी में देखें तो आई थ्री की डायरेक्शन सी टू डी है, और डी टू ए में देखें तो आई फोर की डायरेक्शन ए टू डी है। मीन्स अगर डी टू ए हमें लेना है तो इसे माइनस लेना होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज लेते हैं, और लूप हमने क्या कंसिडर किया है, ए बी सी डी ए। तो शुरुआत हम करेंगे ए टू बी में, ए टू बी में करेंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आर वन की वजह से क्या आएगा, आई वन इंटू आर वन। अब यहाँ पे हम देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो वी वन क्या आया विद माइनस साइन। अब हम पॉइंट बी पे पहुँच गए, अब हमें चलना है बी टू सी, बी टू सी हमें जाना है, लेकिन करंट हमारी फ्लो कर रही है सी टू बी, तो हम इसे क्या लेंगे, माइनस ऑफ आई टू इंटू आर टू। अब हम कहाँ पहुँच गए, पॉइंट सी पे, अब हमें चलना है सी टू डी, सी टू डी में देखें कि हमें चलना सी टू डी है और करंट की डायरेक्शन भी सी टू डी है, तो आर थ्री की वजह से सीधे सीधे क्या आ जाएगा, आई थ्री इंटू आर थ्री। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो V2 है, इसको अगर हम देखें तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम C टू D जा रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये प्लस साइन के साथ में आएगा, V2 हो गया। अब हमें जाना है D2A, हमें जाना D2A, लेकिन हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, A टू D, तो ये भी हमें नेगेटिव साइन के साथ लेनी होगी, क्योंकि ये हमारे चलने की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आया माइनस आई फोर इंटू आर फोर, और इन सब का बीजगणितीय योग सम कितना होना चाहिए, जीरो, तो इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया हमने। अब आगे से थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, आई वन आर वन माइनस वी वन माइनस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री प्लस वी टू माइनस आई फोर आई फोर। तो इसकी हेल्प से ऐसे हम KCL और KVL लगा के किसी भी सर्किट में, किसी क्लोज लूप में हम I और V R की वैल्यू निकाल सकते।